आपका स्वागत है मेरे चैनल ही अंशी किचन में। और आज ये हमारे पास है आइस क्यूब्स और ये है बिल्कुल ग्रीन कलर के आइस क्यूब्स। अब ये ग्रीन कलर के आइस क्यूब्स काय के हैं? ये है पुदीने के। जी हाँ, अगर आप इस तरह से पुदीने के आइस क्यूब्स बनाकर रख लें तो आपको जब भी जरूरत होगी तुरंत आइस क्यूब निकालिए और आप रायता बनाइए, चटनी बनाइए, जलजीरा बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं इनको बनाना। तो जब भी हम रायता बनाते हैं या चटनी बनाते हैं तो उसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन पुदीने को ज्यादा दिनों तक फ्रेश रख नहीं सकते हम, क्योंकि ये जल्दी खराब होने लगता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि पहले इसकी सारी पत्तियों को निकाल लें। और अब हमने इसकी पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे मिक्सी में डालें और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और अब इसको कर लेंगे ग्राइंड। अब इसको हमने दरदरा सा पीस लिया है और अब इसको हम आइस ट्रे में जमा देंगे। तो ये हमारा जो पुदीने का मिक्सचर था हमने आइस ट्रे में पूरा डाल दिया है और अब इसको हम फ्रीजर में रख देते हैं। तो ये लीजिए, हमने पुदीने की आइस क्यूब्स जमा ली है और अब ये तैयार है काम में लेने के लिए। तो इसको मैं निकालती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ग्रीन कलर इसमें बरकरार रहेगा। और अब हम बनाएंगे इससे रायता। तो ये मैंने ले लिया है दही और मैंने इसमें डाली ये 2 क्यूब्स पुदीने की। तो अब मेरा काम कितना इजी हो गया, इसमें बर्फ भी हो गया प्लस जो पुदीना हमने इसमें पीसा था तो ये हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस निकाला फ्रिज में से और तैयार है पुदीने का रायता। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और ये मैंने डाली है कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा सादा नमक। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और जैसे जैसे हमारा जो ये आइस क्यूब है पिघलता जाएगा, हमारा रायता ठंडा होता जाएगा प्लस पुदीने का स्वाद इसमें बढ़ता ही जाएगा। तो लीजिए, इसको हम रख देते हैं साइड में और तब तक हम बना लेते हैं धनिया और पुदीने की चटनी। चटनी बनाने के लिए हमने ली है हरी मिर्च, ये मैंने 3 हरी मिर्च डाली है इसमें। और ये मैंने डाला है हरा धनिया, इसकी जो डंडियां हैं वो भी आप डाल दीजिए। प्लस मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से टमाटर, इससे जो हमारी चटनी है उसमें अच्छा सा खटास आएगी। और इसमें डालेंगे कुछ लहसुन, थोड़ा सा जीरा, काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक। और अब इसमें डालेंगे हमारी पुदीने की आइस क्यूब्स। तो ये जो आइस क्यूब्स है इसको जमे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ी सी अभी पिघली हुई है। तो ये मैंने डाल दी 3, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 डालें, 4 डालें, जितना आपको पुदीने का स्वाद चाहिए उतना डालें। और अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। तो ये तैयार हो गई हमारी झटपट पुदीने और हरे धनिए की चटनी। और आप चाहे अगर आपके पास धनिया नहीं हो तो सिर्फ पुदीने की भी बना सकते हैं। तो इससे जो हमारा काम था कितना इजी हो गया, हमें तुरंत ही पुदीना मिल गया बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन। अब आप कहेंगे कि हम पुदीने को सुखाकर भी रख सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अभी जब हमें फ्रेश पुदीना मिल रहा है तो हम उसे क्यों सुखाएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।